अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं बस ठीक हूँ क्योंकि आज हमारी मेरी नानी सास की इंतकाल हो गया है रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में। तो अभी मैं देख के आई हूँ, सबका मन बहुत ही ख़राब है। आप लोग प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए उनकी मगफिरत के लिए। और फिलहाल अनुषा आ गई है तो मैं आयु को अनुषा के साथ छोड़ के, बेंगी मेरा मदद कर रही है और मैं बना रही हूँ उनके घर के लिए थोड़ा 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 खाना दे दूँगी। कोई किसी का इंतकाल हो जाता है तो दूसरे घरों से देते हैं, फिर भी जो अपने लोग हैं वो थोड़ी ना किसी के भरोसे रह सकते हैं। तो इसलिए मैं मेरा जितना हो सक रहा है इतना ही, जितना हो पा रहा है इतना ही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मैं क्या क्या बना रही हूँ। ये अनुषा और आयु खेल रही है और आप लोग बोलोगे कि कुछ हो गया है फिर भी ये वीडियो बना रही है, क्योंकि मेरा काम यही है। आज थोड़ा सा धूप भी, अभी मेरा काम तो यही है। तो जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हर बात का मतलब आप लोग फैमिली हो, आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा मोटा ये हो एक वीडियो कर लूँगी और अपलोड भी कर लूँगी। देखिए बेंगी अभी काट रही है सब्ज़ी और मैं बनाने वाली हूँ। तो बेंगी इधर काट रही है और मैं पहले ये चना चना दाल जो है वो मैं बॉयल कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी नमक और अभी इसको मिला के मैं लगा दूँगी। ये देखिए चने के साथ मैंने छोटा छोटा पीस कटवा लिया और व्हाइट बोर्ड का बेबी व्हाइट बोर्ड का ये भी मैं डाल दूँगी। ये देखिए हमारी चना दाल लगभग 70% कुक हो गया है, तो मैंने डाल दिया व्हाइट बोर्ड। 2 सीटी आने तक मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें डाल दूँगी। यहाँ मैंने ले लिया थोड़ा सा कैप्सिकम, ये आधी पम्पकिन और यहाँ पर पोटैटो। तो ये आधी कुक हो गया है तो मैं इसको काट लूँगी।